अरे बूम लेके बैठा है सर, इधर ही मैड स्टूडियो के बाहर। बाप रे, बचपन से उधर ही है वो, बड़े उधर हो गए। लॉकडाउन में देखा मैड स्टूडियो, से पहले पता ही नहीं तो मैड के नाम क्या था उसके पहले। गेटी गैलेक्सी था, एनर्जी की गाड़ी बहुत फॉलो किया नंबर भी पता है हम लोग को, मुझे भी नहीं पता है अपनी गाड़ी का नंबर। हम आपसे इतना प्यार करते हैं, आपका नंबर भी पता है। इतनी अच्छी कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं हम लोग, चले शुरू करें। ये लो पकड़ो। नहीं नहीं वो पकड़ लीजिए। अरे मैं इतना कैसा पकड़ेगा? अरे मैंने अरे इसका बॉक्स ले लेना, शादाब का शादाब है आपका। चलो विशाल चलो फटाफट करो यार, ये पकड़ो। एक सेकंड है, एक एक चलो फटाफट एक मिनट रुक जाओ। ओके बन जाएगा। और आगे तेरा किधर गया? हां और आगे जाके चले स्टार्ट करें। किशु किशु तो शुरू कर, चलो स्टार्ट करो विशाल सर। स्टार्ट मैम सेंटर लुक दिस दिस कैमरा। या या यही कहना चाहूंगी कि जितना सरप्राइजिंग आप लोगों के लिए रहा है उतना मेरे लिए भी रहा है, एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट आई एम फाइनली गोइंग। और फाइनली अब आप लोग श्योर हो गए हैं, बेचारे काफ़ी टाइम से डाउट में थे, जा रही हैं नहीं जा रही हैं कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो फाइनली मैं जा रही हूँ। और आई होप कि आप लोग काफ़ी खुश हैं मुझे सीजन में स्टंट्स करते हुए देखने में, और मैं खुद बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। मैम काफ़ी बार आपसे पूछा गया था आप खतरों की खिलाड़ी में जा रहे हो, एवरी टाइम यू डिनाइड द क्वेश्चन एंड नाउ यू आर गोइंग, व्हाट मेड यू टू गो इन? Yeah, so every time I denied the question, I was actually not going. So जब मैंने मना किया है तब मैं नहीं जा रही थी, और उसके बाद finally ये तय हुआ कि मैं जा रही हूँ, मैं कर रही हूँ। तो मैंने कुछ भी आप लोगों को मिसगाइड नहीं किया है, जब नहीं जा रही थी तो नहीं बोला था, अब जब जा रही हूँ तो मैं आप लोगों के सामने। मैम स्टंट बेस्ड शो है, उसके लिए mentally, physically काफ़ी फिट होना पड़ता है, are you prepared for it? Yes, hopefully, that's what I think, that I am prepared. अब कितना हूँ कितना नहीं हूँ वो मुझे वहाँ पर स्टंट करते टाइम पता चलेगा। There are so many other contestants. किससे मिलने के लिए सबसे ज़्यादा excited हो आप? मैं रोहित सर से मिलने के लिए सबसे ज़्यादा excited हूँ। And मैम फैजू is also there, काफ़ी project आपने share किया है, उनसे मिलने के लिए कितना ज़्यादा excited हो? बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, सब लोगों को अपना एक नया पार्ट डिस्कवर करने को मिलेगा, सब लोग ऐसी चीज़ें करेंगे जो उन्होंने पहले कभी करी नहीं है, सो आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड टू सी सबका एक न्यू पार्ट जो वो खुद डिस्कवर करेंगे, एक्सप्लोर करेंगे, सो आई एम वेरी हैप्पी एंड वेरी एक्साइटेड। जन्नत, आपने इससे पहले कोई सारे एपिसोड देखे हैं, काफ़ी पानी वाला सीन होता है, स्टंट होते हैं, सांप वाला सीन होता है, तो ये किस तरह से आप करने वाली कोई स्ट्रैटेजी आपने बनाई है? क्योंकि इसके लिए मेंटली भी बैलेंस होना चाहिए, मतलब सही तरीके से, तो वो कुछ आपने देखा है पूरी तरह से? तो जहाँ तक स्ट्रैटेजी की बात है, आई डोंट थिंक दिस शो इज़ अबाउट एनी स्ट्रैटेजी, आई थिंक इट इज़ वेरी स्पॉन्टेनियस, आई थिंक इट इज़ ओनली अबाउट आपका कितना एक एम और एक फोकस है। आई थिंक आपका फोकस होना चाहिए स्टंट कंप्लीट करने में, अब उसके बीच में आपको उस टाइम पे जो स्ट्रैटेजी समझ आती है वो बना लो, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि उस टाइम पर आप भले ही स्ट्रैटेजी बनाकर जाओ लेकिन वहाँ पर यू नेवर नो वो काम आ रही है नहीं आ रही है, सो आई थिंक आपको गो विद द फ्लो करना पड़ेगा, और वहाँ पर जो चीज़ लग रही है उस टाइम पर सही करने के लिए वो चीज़ आई थिंक करनी पड़ेगी। कंटेस्टेंट क्या क्या किया है थोड़ा कुछ अगर आप ब्रीफ बता सके, कोई आप जिम गए हो, फिटनेस के लिए कुछ काम किया हो, जैसे कि शिवांगी हॉर्स राइडिंग कर रही थी अपने को फिटनेस करने के लिए, तो आपने कुछ किया है? अगर मैं आपको बहुत बहुत ज़्यादा ऑनेस्टली बताऊं तो मैंने कल मतलब बस एक दिन थोड़े फिजिकल एक्टिविटी एज इन जंप और रनिंग वगैरह थोड़ी करी है, लेकिन बस एक दिन, वो मुझे आज भी करना था बट आज मैं सुबह से यहाँ पर हूँ तो आज वो नहीं हो पाया है, बट सिंस टाइम इतना ज़्यादा कम था, मुझे इतना लास्ट मोमेंट सब हुआ है कि मुझे उतना टाइम ही नहीं मिला है कि मैं फिजिकली अपने आप को रेडी कर सकूं। और इन सारे कंटेस्टेंट में एक हाल ही में एक विनर कंटेस्टेंट भी है, मैं मुनव्वर फारूकी की बात कर रहा हूँ, कोई स्ट्रेटेजी है उनके लिए? बिकॉज एलिमिनेशन टास्क होता है, आपको वन ऑन वन कंपीट करना रहेगा, ही इज अ मास्टरमाइंड, कोई आई थिंक जैसे मैंने आपको बोला जो दूसरे रियलिटी शोज हैं जहाँ पर आपका भले ही मास्टरमाइंड काम आता होगा पर दिस शो इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम व्हाट एवरीवन हैज सीन और मे बी जो दूसरे रियलिटी शोज होते हैं, बिकॉज इट इज़ नॉट अबाउट योर खुद का पर्सनैलिटी कि आप कितना मास्टरमाइंड हो, कितना आप किससे
क्या बॉन्ड कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, इट इज़ अबाउट डूइंग योर स्टंट्स एंड कितना जल्दी आप कर लेते हो, कितने फियरलेस आप हो, कितने ब्रेव आप हो. तो आई थिंक इसमें काफ़ी सारी अलग चीज़ें हैं जो आपको डिस्कवर करनी है अपने बारे में और नई चीज़ें करनी है. तो आई एम श्योर काफ़ी सारे स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट्स होंगे, काफ़ी सारे स्ट्रॉन्ग लोग होंगे फिजिकली भी मेंटली भी, बट वो अब वहीं देखने मिलेगा कि कौन कितना. फिजिकली मेंटली की तो बात हो गई, खतरों की खिलाड़ी में पार्टनर स्टंट भी होता है जहाँ पे एक पार्टनर आपको चूज करना पड़ेगा जो फिजिकली काफी फिट होना चाहिए. एक मर्ड में आप अंदर जाए और वो ऊपर से मर्ड को निकाले एंड देन यू हैव टू होल्ड द फ्लैग. कौन सा एक ऐसा पार्टनर आप चूज करोगे? दैट विल सी अगर ऐसा कुछ स्टंट मुझे मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, बिकॉज हर साल खतरों के खिलाड़ी में आप नए स्टंट देखते हैं, सब कुछ नया होता है, पैटर्न वो लोग इतना ज्यादा नया कर देते हैं. तो इस साल हमें नहीं पता क्या आने वाला है, तो जब जैसा आएगा तब वहां पर देखा जाएगा क्या करने. रोहित सर से मिलने के लिए कितने ज्यादा एक्साइटेड हो? बिकॉज़ ही इज वेरी स्ट्रिक्ट, वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड गाय. अगर आप स्टंट नहीं करते हो तो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं अदर कंटेस्टेंट की बात करें. ट्रू दैट, ही इज वेरी स्ट्रिक्ट, ही इज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, बट एट द सेम टाइम ही इज वेरी वेरी हेल्पफुल टुवर्ड्स द कंटेस्टेंट्स. ही इज वेरी वेरी फन, वो बहुत ज्यादा मस्ती भी करते हैं. सो आई थिंक ही इज एन ऑल इन वन पैकेज. सो ही इज़ नॉट जस्ट गुस्सा करते हैं या अगर स्टंट नहीं कर पाया तो आपको डर लगेगा उनसे. आई थिंक वो ऐसी गाइड है वहाँ पर जिसकी कंटेस्टेंट्स को वहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, बिकॉज वहाँ पर सिर्फ वही है उनको गाइड करने के लिए. एंड आई थिंक दैट ही डज अमेजिंगली. सो आई एम वेरी एक्साइटेड टू मीट हिम. लास्टली अ स्मॉल मैसेज टू योर फैंस. गाइज फाइनली मैं जा रही हूँ, फाइनली आप लोग कंफर्म हो गए हैं कि मैं जा रही हूँ, मैं खुद कंफर्म हो गई हूँ कि मैं जा रही हूँ. आई होप आप लोग खुश हैं और कांट वेट टू गो देयर टू डू द स्टंट्स टू एक्चुअली डिस्कवर अनदर साइड ऑफ मी एंड आई होप आप लोगों को मजा आए. थैंक यू सो मच. थैंक यू. फर्स्टली कांग्रेचुलेशन खतरों के खिलाड़ी रियलिटी शो, यू आर गोइंग टू बी पार्ट ऑफ इट. यस, टेल अस हाउ एक्साइटेड आर यू? I am super excited after today, after giving all the interviews and seeing like this is really happening. I'm very excited. Initially I was a bit nervous and anxious and you know how you get mixed emotions, but today I'm feeling on top of the world. I'm feeling really like full on. Yes. And what do you want to say, what made you to do Khatron Ke Khiladi? I feel like, as I mentioned like earlier also, it's just my personality. I'm a bit adventurous and I'm bindas and I like playing with danger and, you know, living on the edge. So all these things, I guess, that whole package is in this show. And so I just was like, yeah, okay, this is a show for me. It's a stunt-based show. किससे ज़्यादा ज़्यादा डर लगता है? Animal stunt से, water stunt से? अभी पता चलेगा. I think I'm a full don. अभी पता चलेगा पहुँच के कि how much I can do what. But as such, कोई particular fear नहीं है. पर I feel काफी fear से मिलने वाली हूँ अभी. Yeah, this is our first reality show. And my first TV, my first yeah. show, yes. And there are so many other contestants who have done so many reality show, yes. TV show. So do you count yourself as underdog? Never. Why should I consider myself as an underdog? I might not be experienced, but I feel that I'm just going to talk to myself and get through the show and just be kind to myself. I'm not a part, like, I don't have the backup, like, how they know what's going to happen in a reality show. But we've met them and they're really sweet and they were very welcoming and I hope that lasts and I hope, like, we create a good dhamaka. राजीव और हम बहुत मजाक उड़ा. राजीव इज फनी यू नो, तो उसका सेंस ऑफ ह्यूमर इज ऑल्सो लिटिल बिट इंग्लिश हिंदी यू नो, तो उसके साथ मतलब मेरी बहुत पड़ी एंड वी वर रियली लाफिंग. मुनावर क्रैक वन जोक्स एंड हम सब हंस रहे थे. सो द वाइब वॉज देयर, बट इन वन आवर आई कांट से हु इज गोइंग टू बी माय फ्रेंड, हु इज नॉट. एंड सो आई विल गेट टू नो नाउ व्हेन वी ट्रैवल एंड लिव टुगेदर. How excited are you? Because Munawar has recently won a show and he is a mastermind. He's come like a full khiladi from one show into yeah. another. Like, so, but I'm going to do my best. It's about your solo journey in this. You are going to always perform a task also alone. You'll have a partner, but you'll also be alone. So I'm just going with this intention of just
facing my fears, having an experience of a lifetime, making new friends, being in a new country, and doing things that I would never be able to do if it wasn't for the show. And Rohit sir is also there. Yes. Tell us, how excited are you? I'm excited to meet him. I've seen his movies, and he has a great sense of humor. So, and I love funny people because I also consider myself funny. So, I'm excited to crack some jokes with him, you know, and like him play pranks on me and stuff like that. And there are lots of contestants who has done firstly Bigg Boss and then they have switched to Khatron Ke Khiladi, but you are doing firstly Khatron Ke Khiladi. What made you not to do Bigg Boss first and first Khatron Ke Khiladi? I didn't think that much about what to do or not to do. I feel like I'm the type of person, if I feel good about something, I'll do it, and I don't know if I'll do any more reality or no, but this is one of the shows that I felt like I wanted to do it. A small message to your fans. Fans, this is my first reality. Please be kind, send me a lot of love, positive energy, and enjoy the real Erica for the first time. You guys will be meeting me. Yes, thank you. Thank you. All the best. Thank you so much. Bye.